अजूई में जागी हूँ ना और मुझे छींकें स्टार्ट हो गई हैं। बहुत शोर है बाबा जी। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया है, बाहर जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है हमारी गली में, जिसकी वजह से बहुत शोर है और उस शोर की वजह से मैं जागी हूँ और जागते साथ ही मुझे छींकें स्टार्ट हो गई हैं और एलर्जी हो गई है। अभी मैं फ्रेश होके आई हूँ, थोड़ा सा जो है वो मेरा हुलिया दुरुस्त हुआ है, आँखें खुली हैं मेरी से। जब मेरी नींद डिस्टर्ब होती है ना, फिर मेरे सारा दिन तबीयत खराब रहती है, और एलर्जी हो जाए तो फिर तो उस पर सुभान अल्लाह ना, फिर तो आप पूछे ही ना। जिन्हें एलर्जी होती है ना, उन्हें पता है कि लाइक कितनी बुरी। नाश्ता करते हैं, बाकी सब तो सोए हुए, मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। हाँ जी, नाश्ता वगैरह करके फ्री हो गई हूँ और आवाज़ से लग रहा होगा जो ही नाश्ता करके हटी हूँ, और साथ ही इतनी छींकें लगी हैं ना मुझे। अभी मेडिसिन खाई है, अभी लेटी हुई थी मैं। जिस दिन हमें कहीं जाना होता है ना, उस दिन तो लाजमी आपको फ्लू लगता है ना, लाजमी एलर्जी होती है। लास्ट टाइम भी मैं बाज़ार जाने लगी थी इफ्ज़ा लोगों के साथ, उस दिन भी मुझे फ्लू था और एलर्जी थी, इसी तरह छींकें थी, तभी मैं मेडिसिन खा के गई थी। आज भी, आज हम लोग जा रहे हैं, मेरे अबू के दोस्त हैं उनके घर, और हमारे साथ जाएंगे अबू के एक और दोस्त और उनकी फैमिली और मेरी मैम, हम दोनों जो हैं वो साथ ही जाएंगे उनके घर। काफ़ी अरसे से वो लोग हमें इनवाइट कर रहे थे, तो मेरा था कि मैं जाने से पहले वहाँ से भी होगा हूँ। और वैसे मैं जाती रहती हूँ फैमिलीज़ के, मतलब फैमिली गैदरिंग पे, लेकिन कभी मैं वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं की, ज़्यादातर फ्रेंड्स का ही रिकॉर्ड करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा आज फैमिली गैदरिंग पे जा रहे हैं तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, इतना मुझसे रिकॉर्ड हो सका, क्योंकि हर बंदा कम्फर्टेबल नहीं होता, खासकर फैमिली के लोग। तो जितना मैं क्लिप्स ले सकी, रिकॉर्ड कर सकी तो शेयर करूँगी। आज मेरा और अम्मी का डे आउट है समझ लें। मेडिसिन खा के चेंज किया है और अब बस वेट कर रहे हैं उनका, जब तक वो आते हैं। मैंने सोचा मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूं और फिर हम लोग जाते हैं। बाहर मौसम वैसे बादल आ गए हैं, होप्स हो के बारिश हो जाए, अभी नज़र नहीं आ रहा है इधर से, पर्दे पीछे हों तो नज़र आएगा। तो हब्बस हुआ हुआ है जिसकी वजह से ना एलर्जी भी ज़्यादा हो रही है। नहीं, बंद नहीं हुई मेरे ख्याल है, दोबारा से करें। बस सब ठीक है, आपके होते हुए नहीं ये गिरा, आपका चक्कर नहीं लगा? जिस दिन हाल ही हुआ था तो आंटी आई थी ना, तो मैं उसी दिन भागती भागती अंकल से पूछने गई थी अफजा के लिए। अच्छा, कहते हैं तोड़ के बनाएंगे। अच्छा, सही किराए पे लगाएंगे। रमजान है ये जा रहे उनका रमजान थे साथ है। कोई नहीं आंटी, सुबह से भी 8 बजे ही आ जाते हैं ना सुबह काम करने, वो जो घर बना रहे हैं, तो सुबह सुबह लगी हुई थी। पता नहीं आज क्या कर रहे थे, आज बहुत शोर था तो मेरी नींद डिस्टर्ब हुई है, उठी हूँ ना तो साथ ही फ्लू लग गया। फिर मेडिसिन खाई है, मैंने कहा नहीं आज जाना है, पहले मैंने सोचा मैं नहीं जाती, जो भी मैंने भी यही सोचा था, मैंने कहा नहीं जो भी ने चले जाना है, उनको बोल दिया मम्मी आना है, तो वही ना, मैंने कहा एक तो मेरी वजह से आप लोग भी वेट करते रहे 2 महीने, आज फिर अगर मैं ना गई तो अब तुम कह रही हो मेडिसिन खा लो, तो अब तुम कह रही हो मैं नहीं, मैं आगे अम्मी से बोला, मैंने कहा आप नहीं चली जाती, मैं फिर मैंने कहा नहीं मैम ने मेरा कत्ल कर दिया। मैं नहीं, ठीक है, मौसम ऐसा है, एलर्जी वाले बंदे के लिए बहुत मसला है। कहाँ आई हो इतने पाले पाले जूते पहन के, कहाँ आई हो? कितने क्यूट लग रहे हैं इसको, क्या करने पहन के अच्छे लगते हैं। अच्छा, बेटियों की रौनक होती है। अब उसने हंजला को देखे ना, अरे वो उसको जूस पीने का पड़ा हुआ उसको जूस पीना है बस। लड़कों का ही होता है पैंट शर्ट पहना दो, लड़कियों का होता है। बादल बन रहे हैं, थोड़ा बारिश हो जाए, पाली आ रही है, बारिश तो नहीं, देखो जरा वही में आके गए, उनके जूते कितने क्यूट आ रहे हैं। हेलो, डिंपल भी आ रहा है इसका, गंदो।
चाट प्लेट में रख के दो ना, प्लेट में थैंक यू। आप सबको देगा समोसा कौन खाएगा? देखा अब उसे पता चल गया। अच्छा बस आंटी को और जोबी को हम आप घर के बंदे हैं ना, हम मेहमान हम में किसकी हैप्पी बर्थडे है? काके की। इधर आओ, किसकी हैप्पी बर्थडे है? कौन सा बेबी? देखे कितनी ट्रॉफीज हैं कबूतरों वाली। ये मेरे अबू और मारिया के अबू और मैं मनीता के अबू, ये तीनों जो है ना शौकीन है कबूतरों के। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है ऐसा जो मैं तो अब्बू से बोला, मैं अब्बू की नहीं थी ना ठीक हो रही, मैंने अब्बू से बोला था इस्लामाबाद से कराए। दो हफ्ते हुए मैं अब्बू से, मैंने बोला है कि आप मल्टी वाइटामिन खाते रहे, कोई नहीं छोड़ती है। अच्छी बात है ना, तो छोड़ देते हैं ना, पीते हैं ना, फिर खुद ही जब मसला होता है ना मैदे में फिर अबू दूध भी पीते हैं ना साथ, इसी बहाने मल्टीविटामिन के दूध पिया जाता है, पानी पिया जाता है, ये मैं ये भी खाता रहे ना बंदा सही है। इनकी क्या है, ये चाय पीते रहते हैं आपके अबू और मेरे अबू? नहीं इतनी चाय नहीं आप पीते, ले अबू तो बहुत पीते हैं, मैं लेके आती हूँ। यहाँ पे जी हमारी बातें तो चलती रहेंगी, तो ये व्लॉग जो है मैं यही पे एंड करती हूँ, छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।